वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स स्टडी। मैं हूं धर्मेंद्र और इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 जो कि आपका रहेगा मैथ का प्रैक्टिस टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का। फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और सभी को ही मैं बता दूं कि हम जो है बेसिक लेवल से ही चल रहे हैं, जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारे जो है जो 10-12 जो है प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएंगे तो हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। अभी हम बेसिक जो है क्वेश्चन से ही चल रहे हैं और हम जो है अभी ट्राई कर रहे हैं कि अभी जो क्वेश्चन हमारे रहे हैं वो उसमें बेसिक से स्टार्ट करके जो इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड जो है क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो अटेंड करेंगे तो पर्टिकुलरली मैं बता सकता हूँ कि आपको 10 से 12 दिन में हमारा लगभग 50% 15 दिन के अंदर 50% मैथ निपट जाएगा। उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा 15 दिन के बाद, फिर वो 25 दिन के समथिंग या 20 दिन के समथिंग और लगेगा, क्योंकि उसके बाद जो है हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर उसकी ट्रिक पहले बेसिक सीखेंगे उसके बाद ट्रिक भी हम उसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछा हमसे, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात दिया है 3 और 4, तो नुकसान क्या होगा? तो भैया कोई भी चीज़ दी है, हमें नुकसान दिया है, हमसे पूछा है नुकसान क्या होगा। कोई चीज़ है, अनुपात दिया है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य। विक्रय मतलब वो बेच रहा है, लागत मतलब उसकी लागत लगी, ये सेलिंग प्राइस है और लागत उसका इतना लगा है। मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 3 है, ओके, और लागत थी 4, मतलब कि उसका 1 रुपये का घाटा हो गया। क्या हुआ? 1 रुपये का घाटा उसका हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो उसने पूछा हमसे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। तो नुकसान हम किस चीज़ पर निकालेंगे? नुकसान हम लागत मूल्य पर निकालते हैं, हमेशा कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य पर निकालते हैं। तो कितना लागत मूल्य है? 4% पर निकालना है। 100 का डिवाइड कर 100 का इंटू कर दीजिए, ये कितना जाएगा? 25% हमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 3 की कोई वस्तु थी, सॉरी, 3 मैं कोई वस्तु को बेच रहा था लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू 4 थी, ठीक है। अगर 4 वैल्यू थी उसकी तो उसको 1 का नुकसान हो रहा था। अब उसका 1 का नुकसान हो रहा था लेकिन वो पूछ रहा है हमें नुकसान कितना प्रतिशत हो रहा है। ये तो पता है 1 का हो रहा है लेकिन कितना प्रतिशत हो रहा है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो हम नुकसान या लाभ निकालते हैं वो हमेशा लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारी 4 थी और परसेंटेज निकालना है तो 100 का इंटू करिए, ये आ जाएगा 25%, एक ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आर्टिकल है, एक लेख है, 30% नुकसान पर भी जो है, ओके, यहाँ पर 6 जाता है, ओके, इसमें 6 जाता है, ओके, मतलब 30% नुकसान पर भी बेचा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? बेचते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर बेचा कर लीजिएगा, बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, अब आपको वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सुनिए, मैंने कहा कोई चीज़ है 100 रुपये की, वो बेच रहे हैं हम नुकसान कर कर, 30% नुकसान कर कर, तो बस 70 में बेच रही है। कितने बेच रही है? 70 बेच रही है। तो अब उसने बोला है इसमें जो 70 है, जो 70 मतलब हम जो विक्रय मूल्य बेच रहे हैं उसमें 50% की वृद्धि हुई है, तो 50% की वृद्धि। अब आप यहाँ से बोलेंगे 70 50% की वृद्धि कितनी होगी? भाई 70 में 50% की वृद्धि करना है, हमें क्या करना है? 70 में 50% की वृद्धि करना है। तो यहाँ पर ये किस इस प्रकार जोड़ दीजिए, यहाँ से ये, ओके, यहाँ से ये चला जाएगा, एक बार ये 2 बार जाएगा, यहाँ से 35 आ जाएगा। वैसे मैं वैसे भी लगा सकता था, 70 का आधा जो है 35 हो जाता है, लेकिन आपके बताने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम आ गए, मतलब कि आने का मतलब है इसमें जो 35 जोड़ना होगा, क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही है तो 35 जोड़ना होगा, ठीक है, तब ये रियल मतलब हमारी जो विक्रय मूल्य आएगा। तो 35 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा भाई? 105 हो जाएगा। मतलब कहने की चीज़ अब मतलब ये रही है कि कोई चीज़ थी पहले 30% नुकसान पर बेच रही थी और अब वो 30% नुकसान पर नहीं बेच रही है, अब वो बेच रही है कितने पर? बेच रही है, अब वो बेच रही है कितने पर?
105 रुपये बेच रही है, तो अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना। भाई 100 की चीज़ थी, 105 में बेच रही है, डायरेक्ट 5% का लाभ हो रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया कितना हो रहा है, 5% का लाभ जो है लाभ हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी आप लिख लीजिएगा, तीसरा चौथा नंबर जो है, तीसरा नंबर आई थिंक ये क्वेश्चन है। ठीक है ओके, चलिए क्वेश्चन है 7200 के 30% के 20% का मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। के का मतलब होता है के, या इंग्लिश में ऑफ का मतलब होता है इनटू या गुणा करना या मल्टीपल करना, ठीक है, किसी चीज़ का। ओके ये समझ में आया आपको। चलिए यहाँ पर 7200 दिया है के 30% के 20% के मतलब गुणा करना है। अब यहाँ पर प्रतिशत दिया है 30 में, तो यहाँ पर 30 में तो इंटू 100 का इंटू कर लीजिए, 20 में दिया है तो इंटू कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, 3 × 2 = 6, मतलब यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 बताए, यहाँ पर 72 बचा, यहाँ पर 72 बचा है, यहाँ पर 6 बचा है, ठीक है, 12 2 आगे 1 आगे 42 और 43, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, तो क्या है मूल्य इतना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा यदि कोई कार है वो 20% कम गति से के साथ जो है दूरी जो है वो तय कर रही है, मतलब उसकी गति होनी चाहिए थी जितनी होनी चाहिए थी उससे 20% कम तय कर रही है। ओके मतलब कहने का मतलब 20% क्या होता है, 20% मतलब 1/5 होता है, मैं 20% को 1/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है कि उसे चलना था 5, लेकिन मैं 1 कम चल रहा हूँ, चलना था 5 लेकिन क्या कर रहा हूँ, मैं उससे 1 कम चल रहा हूँ, मतलब 1 कम चल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब मेरा यह है पहले मैं चल रहा था 5, ठीक है, अब बाद में चलूँगा मैं 4, क्योंकि 1 कम चल रहा हूँ, 1 कम चल रहा हूँ, ठीक है, अब 1 कम मैं चलूँगा, तभी तो उसने कहा 1/5 1 कम चलूँगा। अब यहाँ पर उसने कहा 15 मिनट जो है देरी से पहुँचता, तो मैं 15 मिनट देरी से पहुँचता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ है स्पीड में, स्पीड का उल्टा क्या होता है, स्पीड का उल्टा समय होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पीड का उल्टा हमेशा समय होता है। यहाँ पर एक जो है एक आ रहा है या एक कम, एक की कमी आ रही है, एक मिनट मान ली, एक मिनट नहीं मान सकते, एक की कमी है, क्या करेंगे हम एक की कमी से चल रहे हैं, एक्चुअल में गति जो है हमारी 5 होनी चाहिए थी लेकिन 4 है, हम एक की गति से कम चल रहे, सिर्फ 20% गति कम हमारी हो गई है। अब हमारा ये स्पीड है, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम हमेशा इसका उल्टा होता है, तो ये 4 होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास समय जो है, जो देखिए ये स्पीड 5 थी तो समय 4 लग रहा था, स्पीड 4 थी तो समय 5 लग रहा था, ठीक है, मतलब उल्टा हो गया कि नहीं हुआ, क्योंकि गति ज़्यादा होगी समय कम लगेगा, समय ज़्यादा होगा समय ज़्यादा, मतलब सॉरी गति ज़्यादा होगी तो समय कम, ठीक है, गति कम होगी तो समय ज़्यादा होगा, मतलब उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे हमें क्या करना है, 15 मिनट देरी से पहुँचता है, तो दूरी जो है ये जो समान दूरी तय करने के लिए कार द्वारा लिए गया सामान्य समय क्या होगा, सामान्य समय क्या था भाई, सामान्य समय क्या था, सामान्य समय था ये वाला, सॉरी ये वाला सामान्य, ओके यहाँ सामान्य समय था ये वाला, 4 था सामान्य समय, अब 4 था सामान्य समय और यहाँ पर मिनट कितना है, 15 है, 15 मिनट, और ये कितनी देरी से चल रही, 1 मिनट की देरी से चल रही, तो 1 मिनट बराबर यहाँ पर 4 हो गया, 1 मिनट बराबर यहाँ पर कितना, 4 हो गया, तो यहाँ पर ओके यहाँ पर कितना होगा, ये 15 से इंटू कर दीजिए डायरेक्ट, जिससे क्या होगा सामान्य गति जाएगी, सामान्य चाल से सामान्य समय को जो है आपको इंटू करना, ठीक है, तो जब इंटू करेंगे 15 × 4 हो जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, बेसिक जो है आपको समझ में आएगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आगे जो रहेंगे हम धीरे धीरे चलेंगे, हर क्वेश्चन को टाइप बाई टाइप करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले से ही हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको मेथड करने की, आपको दिया ए बिंदु दिया है, कोई एक ए बिंदु दिया है, ठीक है, पहले ए गया एक्स तक, फिर ए एक्स से आया बाय तक, ठीक है, सपोज दैट पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था और
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो वापस आया है। तो आपको बतानी है उसकी औसत गति क्या है, ये औसत कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, 2ab बटे a प्लस b होगा, ठीक है, a प्लस b होगा, वो प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू कर दीजिए, ठीक है, 60 × 8 आपको दिया है, ठीक है, क्या दिया 8, ओके सॉरी 8 नहीं है वो 80 कर लीजिएगा, उसे कितना कर लीजिएगा, उसे आप 80 कर लीजिएगा, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, 80 कर लीजिएगा इसको, ठीक है 80 कर लीजिएगा, ओके 8 × 16 = 140 हो गया, ठीक है। इसका जीरो काट दी, इसका जीरो काट दीजिए, ये काट दीजिए, 7 आ गया और 8 48 ठीक है 48, और ये 480 आ गया, और नीचे 7 दिया है। जब 7 को काटेंगे, ओके 7 को काटेंगे तो यहाँ पर एक मिनट रुकिए, 480 जो है उसको 7 से काटेंगे तो पहली बार तो 6 से जाएगा, फिर बचेगा 742 और 6, ठीक है 8 बार चले गया, ठीक है, फिर उसके बाद 5 बचेगा, लगभग इतना आएगा आपका आंसर 68.5, ठीक है, उसके बाद जो बच रहा है 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका, बहुत सिंपल समझा, 2ab अपॉन a प्लस b किसके लिए, औसत गति के लिए। औसत गति कब है, ये एक यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपसे उसने ये बोल दिया था कि एक कोई बिंदु है एक्स और कोई बिंदु है वाई, वो समान दूरी है, यहाँ पर ध्यान रखिए, तभी काम में आएगा जब समान दूरी दी होगी, ठीक है, दूरी कैसी दी होगी, समान दूरी दी होगी, ठीक है, कि यहाँ पर समान दूरी दी है इसलिए जो है ऐसा किया हुआ है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम जरूर करेंगे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लिया है 5 साल में एक निश्चित राशि दुगनी हो जाती है, सपोज दैट कोई 5 साल में एक राशि है, 5 रुपये थे मेरे पास, वो मतलब 1 साल के बाद दुगनी हो जाएगी, यानी कि 10 हो गई। जब साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, मतलब दुगनी का मतलब वो समझे हो, दुगनी का मतलब वो हो गई 10 गुना। 5 थी मेरे पास जो चीज़ थी, साधारण ब्याज लग रहा, तो दुगनी हो गई, तो दुगनी कैसे हो जाएगी, 10 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। वो कितने कैसे होगी 10, साधारण ब्याज है, हर वर्ष क्या लगेगा उसमें, एक समान क्या लगेगा, एक समान ब्याज लगेगा, तो मैंने माना इसमें एक समान ब्याज जो लग रहा है वो एक 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 मतलब हर साल एक एक रुपया लग रहा है, तो एक एक रुपया लगेगा, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, दुगना हो गया हमारा। तो ये कितने सालों में लग रहा है, ये 5 वर्षों में लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये 5 वर्षों में ऐसा हो रहा है, ठीक है, कैसा हो रहा है, 5 वर्षों में ऐसा हो रहा है। तो 5 जो है, 5 का अगर आप 5 का अगर 8 गुना क्या 8 गुना जो है हमें निकालना है, कितना निकालना है, 5 का 8 गुना अगर हमें निकालना है तो 5 × 40 होता है, कितना होता है, 40 हो गया, कितना हो गया, ये 40 हो गया होगा, क्योंकि 40 हमें टोटल रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा 40 नहीं है, 5 का 8 गुना 40 नहीं, याद मत रखिएगा कि 40 होगा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हम जो है ऑलरेडी 10 जो देखिए हम ऑलरेडी जो है 5 5 कर जो है 10 पर आ गए हैं, तो यहाँ से हमें 5 घटाना पड़ेगा, कैसे घटाना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा और यहाँ पर आएगा 35, कितना आ जाएगा, 35 हमारा आंसर आएगा। एक बार से और देख लीजिए, देखिए करना क्या है हमें, पहली बात तो कोई भी चीज़ 5 से 2 गुना हो रही है 10 हो रही है, ठीक है, हर वर्ष मैंने माना एक एक रुपये बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष में 5 रुपये बढ़ गए, ठीक है। उसने बोला 8 गुना कैसी होगी, कोई चीज़ है 5 जो चीज़ है वो 8 गुना कैसे होगी, 5 जो है 8 गुना, आप 5 को 8 गुना मतलब गुना मतलब 5 में 8 का गुणा करेंगे तो जो 40 आ जाएगा, ठीक है। आज रियल वैल्यू 40 नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर आंसर इसलिए आपको 40 भी दिया होगा कंफ्यूज करने के, 5 तो पहले से थी, कोई भी चीज़ 5 तो थी पहले से, ओके, अब 5 घटानी पड़ेगी हमें किस में से, 40 में से, तो ये 35 हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये वाला, बहुत सिंपल क्वेश्चन कहूँगा, एकाएक अंक क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, यहाँ पर इंटू कर लीजिए, इंटू है, ठीक है, ये वाला जो है इंटू है, ठीक है, बीच में जो है इंटू स्टार लगा है वो इंटू है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, एकाएक अंक करना है, तो सबसे पहले बात इंटू वाली संख्या हम बॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे, 3 × 6 प्लस यहाँ का एकाएक अंक 5, तो ये 11 आएगा, और एकाएक अंक क्या है, पहला एकाएक अंक जो है 1 है, तो यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी,
बॉर्ड मास से मैं थोड़ा जो है लेवल थोड़ा सा हम धीरे धीरे आप करेंगे, सभी क्वेश्चन का आप करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। दो प्लस देखिए, दो प्लस एक बटे दो दिया है, तो एक सॉरी एक बटे दो नहीं होगा यहाँ पर, एक बटे दो नहीं करना है आपको, दो बटे एक करना है, ठीक है। क्या करना है, एक बटे दो करना है, तो यहाँ पर भी दो आ गया, क्या आ गया, दो आ गया। प्लस यहाँ पर बाईस करना है, ठीक है, प्लस दो बटे दो ये एक आ गया, तो ये तेईस, ठीक है, चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस, ठीक है, तो कितना आ गया, 27 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो बटे एक, एक बटे दो लिखा है, इसको दो बटे एक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर एक बटे दो करेंगे तो आपको कुछ नहीं है, ये करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, पॉइंट फाइव लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस बाईस, ठीक है। मैं इसको भी इसके भी देख लेते हैं, ठीक है, टू प्लस पॉइंट फाइव प्लस ओके बाईस होते एक तेईस, ठीक है, तेईस तेईस से चौबीस पच्चीस, ठीक है, कितने, चौबीस पच्चीस, पच्चीस साढ़े पच्चीस, क्या आ जाएगा आंसर, साढ़े पच्चीस आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कल मैंने कराया था, इसी प्रकार क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, तीन बटे चार, सात बटे आठ और पाँच बटे छः, ध्यान से देखिए, कल अगर जिसने भी क्लास ली होगी इस क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हैं बिना कॉपी पेन चलाए हुए। देखिए यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना, एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है और यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, मतलब सभी में एक एक का डिफरेंस है, अंश बटे हर में। तो जब अंश बटे हर में एक का डिफरेंस होता है तो वही संख्या बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है, अंश बटे हर होता है, ठीक है, अंश बटे हर। तो अंश अगर बड़ा है, अंश मतलब सात का अंश बड़ा है और आठ का जी छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तीन होगी, फिर उसके बाद सब उसके बड़ी कौन सी होगी, पाँच बटे छः होगी, और सबसे बड़ी कौन सी होगी, सात बटे आठ होगी। तो सात बटे आठ सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो यही भिन्न जो होगी वो सात बटे आठ से बड़ी भिन्न कहलाएगी। और फ्रेंड्स आज के थे 10 क्वेश्चन, और कल जो है अच्छे से और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, शेयर करेंगे तो और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है। देखिए टॉपिक वाइज सभी लोग पढ़ सकते हैं, हमने टॉपिक वाइज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उन्हें पढ़ा होगा, हमें जो हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, हमें ज़रूरत है प्यारे जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज़ करने की, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो इजी रहेगा और बेस्ट रहेगा, हम जो है इजी क्वेश्चन से टफ़ क्वेश्चन तक चलेंगे। आप सिर्फ 15 दिन का अपने लिए जो है एक घंटे का टाइम निकालिए, एक घंटे के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा एनालिसिस करिए, क्वेश्चन देखिए, आने वाले तीन चार दिनों में मैं आपको और भी क्वेश्चन बढ़ाते जाऊंगा। अभी 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिर 15 करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर हम 40-45 तक भी जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए।